करके चल सकते हैं। 860 के इमीडिएट टारगेट को ध्यान में रख के चलना चाहिए और 815 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें 815 का अगर आप देखें स्टॉप लॉस रहेगा, और लॉन्ग करिए यहाँ पे सन फार्मा, इट्स अ बाय। और सन फार्मा अगर आप देखें इस स्पेस में काफी स्ट्रांग रहे हैं, स्टेबल रहे हैं हायर लेवल्स पे। तो अब नीलेश जी की भी राय हो गई। आशीष बहती जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? वीरेन गुड आफ्टरनून, वीरेन जी गुड आफ्टरनून, शेल सर एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी का कन्विक्शन कॉल रहेगा लॉरस लैब का। स्टॉक ऑलरेडी बहुत चल चुका है लेकिन जितना बीटन डाउन है और जिस हिसाब से ये अपने 200 डेमा के नीचे काफ़ी टाइम सस्टेन किया है और आज जो इसमें रैली देखने मिली है विथ अ ग्रेट वॉल्यूम, मतलब 8 मिलियन शेयर्स के अभी तक वॉल्यूम हो चुके हैं जो कि इसके एवरेज से काफ़ी एटलीस्ट 3 to 4 टाइम ज़्यादा है। हमें लग रहा है कि इसमें जल्दी 520 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं जो कि इसका 200 डेमा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। 480 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉरस लैब में बाइंग की सलाह है। चलिए, लॉरेंस लैब बाय। तो फार्मा आज थीम बदल गया, देखिए फार्मा और आज आईटी में बाइंग है। कविता जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, शैल जी, गुड आफ्टरनून।